एंड अभी खतरनाक बारिश हो रही है ओआरआर में, मतलब ये बड़ा बेकार एक्सपीरियंस हो गया। आवाज आपको आ रही होगी कि कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव और आज हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर से भोपाल के लिए। पूरी राइड होने वाली है, पहले हम स्टॉप करने वाले हैं नागपुर पे और उसके बाद हम नागपुर में वन नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे भोपाल के लिए निकलेंगे। तो पूरी रोड जर्नी इस बार मैं व्लॉग करने वाली हूँ और स्पेशल एडिशन है इस बार, हमारे साथ जा रहा है हमारा छोटा पेट। तो उसके साथ साथ क्या क्या हमें ध्यान रखना है, मैं सोच रही हूँ कि उस तरह का एक व्लॉग बनाऊँ ताकि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस व्लॉग में इजीली मिल जाए। अभी ऑलमोस्ट 4:15 हो चुका है, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं एंड मैंने सारा सामान जो भी पेट का होता है साथ में रखने के लिए ट्रैवल के लिए, जैसे एक ट्रैवल बॉटल और वाइप्स, और क्योंकि वो पेट्स ईजिली यू नो पी नहीं करते हैं, अभी वो बहुत छोटा है तो उसके लिए उस हिसाब से हमने पी पैड्स और पूप पिकर सब कुछ एक साथ रख लिया है। तो पूरी कार हमारी तैयार हो चुकी है अच्छे से एंड अब बस अब निकलने वाले हैं। मैं आपको पूरे टाइम्स अपडेट करते जाऊंगी हम कब कब कितने बजे कहाँ कहाँ क्रॉस कर रहे हैं। रेडी, 4 बज चुके हैं एंड हम ऑन टाइम ट्रैक पे चल रहे हैं अभी। और ये है हमारा सेटअप, एज यू कैन सी ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा जोई जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके लिए हमने ये एसी वेंट के लिए बेसिकली ये वाला ख़रीदा ताकि इसको एसी की हवा ईजिली मिलती रहे। और यहाँ पे ये बहुत आराम से बैठ गया, इसके लिए सीट बेल्ट भी ले आया और ये बहुत ही कंफर्टेबली बैठा हुआ है। थोड़ी कार ओवरलोडेड है थोड़ा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम इतनी बड़ी ट्रिप करने जा रहे हैं तो एक्साइटमेंट भी है थोड़ा सा, यू नो स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि हम टाइम पे पहुँच जाएँ और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। बस आयुष गए हैं फाइनल चेकअप करने के लिए घर में एंड मैं यहाँ बैठी हूँ जोई के साथ। बस हम लोग अभी एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं एंड हम होस्टकोट वाले रास्ते से आए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। अदरवाइज बैंगलोर में तो आप ट्रैफिक हैबाल वाले एरिया में तो हमेशा ही रहता है। सो ये वाले इसमें आए हैं और अभी आ चुका है एक टोल, आई थिंक इसके बाद सीधा हैदराबाद वाली रोड ही है ये। और अभी चला रहे हैं आयुष। आयुष से हाय। आयुष इज नॉट जो आराम से सो रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि थोड़ा जो ही सो रहा है तो ना टेंशन नहीं है। एयरपोर्ट वाला एरिया ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है एंड बस अब पहला टोल ब्रिज भी क्रॉस हो चुका है, अभी बजा है 4:53। तो चलिए आपको मैं और अपडेट देती रहती हूँ। हमने छोटे छोटे माइलस्टोन सेट किए हुए हैं, पहला माइलस्टोन है अनंतपुर और उसके बाद हैदराबाद, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे अधिक। अच्छी सी सुबह हो चुकी है, सनराइज होने ही वाला है और हम लोग बीच में रुके हुए हैं। लोगों ने अभी एक जगह रुक करके जोई की सुसु पॉटी करवा ली एंड वी वर सक्सेसफुल एंड अब आगे बढ़ चुके हैं हम लोग अनंतपुर के लिए। ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट बचा है, सुबह हो चुकी है एंड बड़ा मजा आ रहा है, रास्ता बहुत अच्छा है अभी तक एंड जोई भी इंजॉय कर रहा है। ये देखिए, इसके लिए नेक पिलो रख दिया हमने, उसको भी काफी मजे आ रहे हैं बैठा हुआ। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में आगे लेके आती हूँ। यहाँ से है रास्ता लिपाक्षी टेम्पल जाने का जो कि बहुत ही फेमस है, अगर हम ऑन द वे नहीं होते तो हम जरूर यहाँ पे जाते क्योंकि 6 बजे हो रहे हैं प्रॉपर से। But if you don't wanna tell me now, oh, I guess I'm there.
सा एक्सीडेंट हो गया, जोई हैड लूजीज एंड प्रॉब्ली ही थ्रू अप, सो इसलिए हमने उनको आगे बैठा लिया है। जोई से हाय। तो हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक 45 मिनट्स डिले हो गया हमारी जर्नी में, क्योंकि जोई थोड़ा सा अनइजी फील कर रहा था एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग रुक जाएं तो उसको थोड़ा बेटर फील होगा। तो अभी वो बहुत मुश्किल से सोया है, फर्स्ट टाइम वो इस तरह ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा अनइजी हुआ। उसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं टाइम से। अभी हमें हैदराबाद दिखा रहा है 1:41, वी आर ट्राइंग टू बीट इट। लेट्स सी जोई किस तरह से बिहेव करता है बाकी के रास्ते में। आयुष को ही चलानी पड़ रही है क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे पैरों पर करके बैठ गई हूँ कम्फर्टेबली। होपफुली जब तक वो सोता है तब तक हम रास्ता कवर कर लेंगे, और जब वो उठेगा तब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। सब कुछ ये वाले ट्रिप पे जोई भी डिपेंड करता है, नहीं आयुष? यस। और मतलब ये एक मैं बोलूंगी कि अगर आप किसी छोटे पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसे अपने लैप पे ही रखो। हमने उसे पीछे हमॉक पर डाला था, शायद उसकी वजह से उसको वहाँ पर थोड़ा सा अनईजी हो गया। वो अभी वो लैप पे है, थोड़ा वो कम्फर्टेबल फील कर रहा है। तो अगर पेट थोड़ा बड़ा होता है तो हमॉक में अकेले रह सकता है, अदरवाइज अगर आप पीछे बैठ जाओ साथ में तो बेटर है। और हम लोग अभी रुके हुए हैं ये वाले इडली के काउंटर है, ये शांतम्मा मोबाइल कैंटीन, एंड आयुष इज हैविंग हिज इडली। नहीं तो जोई अभी थोड़ा सा हैप्पी फील करे। जोई ये देखो, जोई ये हमारा जोई है। से हेलो 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 एवरीवन, मैं हूँ जोई। तो बस अब इसके बाद हम लोग ऑन द वे वापस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था हमने एंड कोई बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स अभी खुले भी नहीं हुए हैं, जितने भी थे हमें कुछ बहुत डिसेंट नहीं लग रहे थे। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि ऑन रोड ही हमने खा लिया और टाइम भी थोड़ा बच गया, क्योंकि रेस्टोरेंट्स पे जाएंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बिलिंग होगी, सब कुछ होगा, तो मिनिमम हाफ एन आवर तो आपका जाता ही है। तो यहाँ पे इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, खाना भी बहुत अच्छा था। अगर आप इस रास्ते पर आ रहे हो तो यू कैन ट्राई शांतम्मा मोबाइल कैंटीन डेफिनेटली। हैदराबाद से थोड़ी दूर पर ही हैं, कितने किलोमीटर्स बचा होगा, आई थिंक 30-40 किलोमीटर्स हैदराबाद से बचा है। एंड हम लोग अभी खाने के लिए रुक गए, बहुत भूख लग रही है एंड रास्ते में रेस्टोरेंट है ही नहीं अच्छे, या तो अच्छे हैं तो ओपन नहीं है। एंड इट्स ऑलमोस्ट, हम थोड़े से लेट हो गए बिकॉज ऑफ जोई, उसकी तबीयत ख़राब थी इस वजह से। एंड वर्स्ट पार्ट इज़ यहाँ पर रेस्टोरेंट जो है वो पेट फ्रेंडली नहीं है, उसकी वजह से हमें बाहर ही यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ बैठ के हम खाना खाने वाले हैं, विच इज़ वेरी नो डिसअपॉइंटिंग, बट वॉट कैन वी डू। सो हम लोग भी यहीं बाहर ही खाएंगे और इसके बाद वी बी प्रोसीडिंग टू हैदराबाद। डिले हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, लेट्स सी। जोई सो रहा है मेरी गोदी में, आयुष इज ड्राइविंग एंड हो रही है बहुत अच्छी बारिश। जिस बारिश का बैंगलोर वाले इंतजार कर रहे थे वो हैदराबाद भी पहुंच चुके हैं एंड काफ़ी अच्छा वेदर हो गया, बट ड्राइविंग थोड़ी स्लो हो जाएगी इससे, है ना आयुष? थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हैदराबाद, मतलब क्रॉस करने वाले हैं, हमें बहुत लेट हो गया। हमने टारगेट किया था 12 बजे, हम 2.5 घंटा लेट हैं बिकॉज ऑफ 2 घंटा, अच्छा 12:30, हम 2 घंटा लेट हैं। हमने प्लान किया था कि हम 12:30 तक पहुंच जाएंगे, बट जोई की तबीयत ख़राब हो गई रास्ते में एंड हमें कई जगह इसकी यू नो सुपोर्टी के लिए उतरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल कुछ टाइम वेस्ट होता चला गया। बट ठीक है, लेट्स सी। नागपुर हम 10 बजे तक पहुंचेंगे, अब कोशिश करते हैं कि थोड़ा पहले पहुँच जाए, क्योंकि नेहरू आउटर रिंग रोड में थोड़ा चांस है कवर अप करने का, लेट्स सी क्या होता है। एंड जस्ट वन सजेशन, अगर आप अपने पेट को लेकर के आ रहे हैं बैंगलोर से नागपुर वाले रास्ते में, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बहुत ही वियर्ड है, कई तो खुले ही नहीं थे। मतलब अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो या तो आपको मे बी ब्रेकफास्ट मिल जाए, बट अगर आप 12:30 के अराउंड पहुँचने का सोच रहे हो तो
मुश्किल है कि आपको कहीं भी मिले, क्योंकि हम लोग ने कई जगह रोका, बहुत जगह रोका, लेकिन हमें कहीं पर भी यू नो खाने के लिए कुछ मिला नहीं. अल्टीमेटली एक जगह मिला एंड वहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं थे, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई. हमने किसी तरह से बाहर बैठ के वहाँ पे खाया. तो अगर आप पेट्स के साथ आ रहे हो तो कोशिश करो कि खुद मतलब घर से बना के कोई चीज़ लेकर के आइए, ताकि आप कार में इसे खा सको और आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि पेट्स के साथ मुझे लगता है कि एक या दो घंटा आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो उनकी जो सपोर्टिंग को थोड़ा घुमाने के लिए. तो ये एक छोटी टिप है मेरी तरफ से, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल विद योर पेट. हो चुके हैं नेहरू आउटर रिंग रोड के अंदर, एंड काफ़ी ज़्यादा हमने सुना है कि ये रोड काफ़ी स्मूथ है एंड बहुत मज़ा आता है इसमें चलाने में. एंड आयुष ने मुझसे कार ले ली यहाँ आने से पहले, दिस इज सो 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 बैड, एंड मुझे रिकॉर्ड भी नहीं किया जब मैं एक्चुअली ड्राइव कर रही थी. इज़ वेरी क्लेवर. सो हम एंटर हो चुके हैं और लेट्स सी कैसा. अच्छा ये रोड, अरे इसे तो हम एयरपोर्ट से भी जाते थे ना आयुष, बहुत साल पहले रहती थी हैदराबाद में एंड तब मैं अमेजोन के लिए काम कर रही थी एंड मैं यहीं पास में गच्ची बोली में रहती थी, और ये रोड तो उस टाइम पर भी थी एंड एयरपोर्ट जाने के लिए शायद रोड कनेक्ट हुई थी. खतरनाक बारिश हो रही है ORR में, मतलब ये बड़ा बेकार एक्सपीरियंस हो गया. हम लोग सोच रहे कि मज़ा आएगा, अच्छा चलाएंगे, लेकिन आवाज़ आपको आ रही होगी कि कितनी ज़्यादा तेज बारिश हो रही है. ये कितनी मोटी मोटी बारिश हो रही है. तेज बारिश हो रही है यार, ये तो जो आराम से सो रहा है और हम लोग यहाँ पे बारिश का मजा ले रहे हैं. मजा नहीं, सजा है ये, क्योंकि हम अब डिले हो जाएंगे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है. Few moments later. Because the roads.
आदिलाबाद का रास्ता काफ़ी ज़्यादा हिली था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घाटियाँ थी। वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया एंड अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12। बहुत ज़्यादा हमें लेट हो गया, हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना ज़्यादा लेट होंगे। एंड ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं हम नागपुर सिटी। हमारा होटल थोड़ा सिटी के बीच में था तो अभी होटल पहुँचने में थोड़ा टाइम है। पहुंच गए हैं मंजोई, बहुत अच्छे से सो गया है और हम भी अब सोने जा रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे कल सुबह जब हम नागपुर से भोपाल के लिए निकलेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो चुके हैं सुबह के 9 और हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। कल रात को काफ़ी अलग सी जर्नी रही। तो कल हम पहुंचे हैं नागपुर अपने होटल अराउंड 12:30 पे। बीच में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया आता है वो थोड़ा सा वहाँ पे बहुत सारे डाइवर्जन थे जिसकी वजह से हमें डिले होता गया। एंड कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे है तो ट्रक्स बहुत चलते हैं एंड जब आफ्टर 7 PM थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है चलाना, क्योंकि वो पूरा हिली एरिया है एंड मतलब आप बहुत फास्ट नहीं चला सकते। डिफ़िकल्ट तो नहीं बट फास्ट नहीं चला सकते, तो हम लोग को बीच बीच में जोई के लिए रुकना भी पड़ता है। ये है हमारा जो हमें से बांधा हुआ है, क्योंकि बहुत पहली बार ये होटल में आया है और ये एकदम अनकंट्रोलेबल हो चुका है। तो क्या होता है कि हाँ, तो मतलब थोड़ी सी स्लो हम लोग ड्राइव कर रहे थे, फिर हम लोग खाने वगैरह के लिए भी रुक रहे थे, तो हम लोग रुकते रुकाते आए हैं, इसलिए हमें बजा है 12:30, विच इज़ लाइक 3 hours। हम मतलब 9:30 हमने एम किया था, 3-3.5 घंटे का हमें कल डिले हुआ। एंड उसके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 इज़ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद पेट, तो खाना अपने साथ लेकर के आइए, क्योंकि हो सकता है आपको पेट फ्रेंडली होटल ना मिले, हो सकता है आपको रास्ते में उतने अच्छे रेस्टोरेंट्स ना ही मिले, क्योंकि ढाबा होते हैं बहुत सारे। मतलब नागपुर के रास्ते पे तो मुझे हैदराबाद से नागपुर के रास्ते पे मुझे बहुत अच्छे डिसेंट रेस्टोरेंट्स नहीं दिखे, मतलब ढाबा थे। एंड रात को जब 7 बज गया था तो हम लोग ढाबा पर रुक भी नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स ही बैठे होते थे, मतलब जेंट्री उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये लर्निंग नंबर 1 है कि आप खाने का अच्छी क्वांटिटी में लेके चलिए, कि आप ऑन द वे ही खा लें। और दूसरा ये है कि अगर आप पप्पी के साथ चल रहे हैं तो बफर 1 या 2 hours का लेना ज़रूरी है, मतलब आप 1-2 घंटे का बफर तो लेके ही चलिए। हम थोड़े ज़्यादा एम्बिशियस हो गए थे, तो वो एक लर्निंग है। तीसरी लर्निंग है कि कल रास्ते में बारिश होने लगी, तो वो भी एक कंस्ट्रेंट था, क्योंकि नेहरू आउटर रिंग रोड पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हमें बहुत स्लो चलानी पड़ रही थी एंड काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। मतलब काफ़ी मतलब आई थिंक हैदराबाद की भी बहुत आगे तक बारिश होती रही। तो मतलब आई थिंक ये सारी चीज़ें लर्निंग है, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा अर्ली निकलेंगे, मतलब थोड़ा अच्छा से मतलब यू नो फूड आइटम्स लेके चलेंगे साथ में। हम चाय लेके आए थे बट खाने के लिए कुछ नहीं था। हम लोग निकल रहे हैं नागपुर से भोपाल के लिए, विच इज़ अराउंड 353 किलोमीटर्स। अगर हम डोर टू डोर देखें, मतलब यहाँ होटल से घर तक का अगर देखें, तो 353 गूगल मैप्स पे दिखा रहा है। बस अब हम लोग निकल रहे हैं। ये है जोई, जो कि बहुत ही कंफर्टेबली बैठा हुआ है, अब उसका मन नहीं है। तो जोई, आई वुड गिव शाउट आउट टू हिम, इस बंदे ने बहुत सपोर्ट किया है कल पूरे ट्रिप पे, मतलब इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ठीक है, लेट्स गो, अब चलते हैं नागपुर से भोपाल के लिए। हमने लाइट ब्रेकफास्ट किया है, अभी रास्ते में चाय पियेंगे, क्योंकि होटल की चाय बहुत बेकार थी। अच्छा यस, हम रुके हैं होटल मैत्रेयी में, क्योंकि ये पेट फ्रेंडली होटल है। हमने काफ़ी सारे होटल्स में चेक किया, वहाँ पेट्स अलाउड नहीं थे, तो ये एक होटल है। अगर आप पेट के साथ आ रहे हो और नागपुर में आपका स्टॉप है तो यहाँ पे आप रुक सकते हो। इट्स अ डिसेंट होटल, एक रात के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, और खाना भी ठीक था। मतलब हमने उपमा एंड चाय लिया है ब्रेकफास्ट में, चाय लिया क्या वहीं पे, तो उतना ही था बुफे में, उपमा एंड चाय, दैट्स ऑल। बट ठीक था, डिसेंट था। और बस अब निकलते हैं हम भोपाल के लिए, इट्स अराउंड 9:30, आयुष वी आर लेट, लेट्स गो। ये है हमारा होटल, इसमें काफ़ी अच्छी सी ये पेंटिंग्स बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे शूट कर लूँ। काफ़ी रिसेंट होटल था एंड प्राइस भी काफ़ी जेन्युइन है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। निकल रहे हैं नागपुर से, लेट हो गया बट हम लोग थोड़े से थके हुए थे, इस वजह से हमने सोचा आराम से जाएंगे। और हम लोग बस निकल रहे हैं नागपुर से, 9:51 हो चुका है टाइम एंड एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहे हैं 4 बजे सुबह, बहुत नहीं 4 बजे शाम के, अच्छा शाम के 4 बजे दिखा रहा है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। मुझे लगता है आयुष एप्पल मैप्स लगाओ, 1 बजे से 10
तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, 6 घंटा दिखा रहा है, 6 घंटा आई थिंक 5 घंटा लगता है जनरली। सो लेट्स सी, जो ही हमारा मस्त एसी की हवा खा रहा है, इसको बहुत अच्छा लगता है एसी में, गर्मी लग गई है इसको और अब ये सो जाएगा। दे दिया, पिला दिया। निकलते हैं और देखते हैं रास्ता। अभी फिलहाल तो आयुष ड्राइव कर रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग फोक्स। और आयुष अभी ऑफिस की मीटिंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग फोक्स। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। वी आर वेरी एक्साइटेड। लगाएंगे अच्छे अच्छे गाने और करेंगे जर्नी को स्टार्ट। जो हम एग्जॉस्ट हुए थे वो अभी एनर्जी वापस से हम लोग ने रिगेन कर लिया है सो करके अच्छे से। तो बस अब एक्साइटेड है बहुत। हम लोग पहुंचने वाले हैं बैतूल, विच इज अराउंड 50 किलोमीटर्स। बहुत अच्छी रोड है, बहुत मजा आ रहा है और सबसे बेस्ट चीज है ट्रैफिक नहीं है बल्कि फ्लाइट बहुत खाली है, तो बड़ा मजा आ रहा है चलाने में। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं एमपी में इतना साल रही हूँ, मैंने कभी भी वहां खुद से ड्राइव नहीं किया अपनी कार, तो अपनी कार को मैं लेके जा रही हूँ एंड वो एक अलग एक्साइटमेंट है। एंड होशंगाबाद, इटारसी, ये सब एरियाज में मैं रही हूँ, तो उसकी एक्साइटमेंट है कि मैं बाहर अपनी कार ड्राइव करूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अभी हो चुका है 12 एंड अब एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है 3:27। लेट्स सी हम इसे बीट कर पाते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि आयुष ना बीट तो नहीं कर पाएंगे शायद, कर सकते हैं। लेट्स सी, क्योंकि गूगल मैप्स तो 4 बजे दिखा रहा है, तो हमने लगा लिया एप्पल मैप्स अगेन एंड 212 किलोमीटर बचे हैं अभी, देखते हैं कर सकते हैं। रास्ता काफ़ी अच्छा है, मतलब अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंड हिंदी में लिखा हुआ है ये सबसे अच्छा है, समझ में आ रहा है कि कहाँ है। कई बार कर्नाटका में बहुत प्रॉब्लम होती है कि समझ नहीं आता, इसमें कन्नड़ा लिखी होती है तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है समझ में, अगर इंग्लिश में नहीं लिखा है तो। और सिर्फ कन्नड़ा में लिखा होता है, सिर्फ कन्नड़ा में लिखा होता है, बिकॉज सी अगर हम कश्मीरी कन्याकुमारी हाईवे पर चल रहे हैं तो आपको एटलीस्ट यूनिवर्सल, हाँ ऐसे रखना चाहिए कि क्योंकि उसमें हर टाइप के लोग चलेंगे, आप कश्मीर से नॉर्थ से आएंगे लोग, तो उस पर भाई आप वैसी लैंग्वेज क्यों रख रहे हो, सिर्फ कन्नड़ा ही लिखी है तो थोड़ा गलत है, लेकिन ठीक है अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी हुई है एंड समझ भी आ रहा है। ऑलमोस्ट अभी इटारसी क्रॉस कर चुके हैं, अब होशंगाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता अभी तक काफ़ी अच्छा रहा, बीच में बैतूल के आसपास का जो स्ट्रेच है वो वहाँ पर थोड़ा रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है क्योंकि ट्रक्स भी चल रहे होते, उसकी वजह से थोड़ा जाम लग जाता है कभी कभी, बट रास्ता ओवरऑल आई वुड से बहुत अच्छा है। अगर आई वुड रेट दिस नागपुर से भोपाल का रास्ता, आई रेट 7। और अब भी हम आई थिंक इसके बाद इटारसी के बाद रास्ता काफ़ी सही है, बीच में एक जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, विल सी कितना है क्या बना है एंड फिलहाल तो बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक आप इसमें आराम से स्ट्रेच करके चला सकते हैं और स्पीड अपने हिसाब से देख सकते हैं आप, 100-120 आराम से चला सकते हैं। एंड हमें एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल गूगल मैप्स पे 4 बजे दिखा रहा था, अभी 3:39 दिखा रहा है, हमने ऑलमोस्ट गूगल मैप्स को बीट कर दिया है कि उस वक्त वो 4 बजे दिखा रहा था। एंड अभी बस भोपाल पहुँचने में थोड़ा देर है, 1 घंटा 20 मिनट कुछ। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, मज़ा आया ओवरऑल ट्रिप में। कल की जर्नी थोड़ी टायरिंग थी डेफिनेटली, बट आज तो मज़ा आ रहा है एंड जोई भी आराम से सो रहा है। कि पी के लिए हम लोग रुके थे एक जगह पे एंड वो काफ़ी अच्छा ढाबा था, मतलब यहाँ खाने के भी ऑप्शंस मुझे दिखे हैं 2-3 अच्छे थे, मतलब जहाँ पे हम लोग रुके थे दैट वाज आल्सो वेरी डिसेंट, वहाँ पे हमने लस्सी पिया एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह, खाने के भी बहुत सारे आइटम्स थे। एंड एमपी अगर आप आए हैं तो पोहा जलेबी तो खाते ही हैं, तो हमें पोहा जलेबी, मंगौड़े और कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं।
काफ़ी बम्पी राइड है। हम लोग इस वक्त हैं घाट में जो कि बुधनी को क्रॉस करने के बाद आते हैं, एंड अभी क्या हो रहा है यहाँ पे बहुत एक काफ़ी अच्छा बड़ा पैच जो है वो डेवलप हो रहा है, वहाँ पे बन रहा है फ्लाई ओवर एज यू कैन सी एक्चुअली। इन फ्यूचर अगर आप यहाँ पे आते हैं, आई थिंक 6-7 महीने का काम और लग रहा है, मुझे कह नहीं सकते बट मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद आपको ये यहाँ पे जो एक जंगल वाला रास्ता है ये अवॉइड करेंगे, सीधे आप ऊपर से जा सकते हैं, ये वो रास्ता खत्म हुआ। तो रास्ता खत्म नहीं हुआ था बिकॉज वो 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में रोड बन रही है। जितना भी टाइम ने बचाया था गूगल मैप्स को बीट किया था, पूरा चला गया इस रास्ते के चक्कर में। और अब जोई भी उठ गया क्योंकि इतनी बम्पी राइड है, बेचारा सो ही नहीं पा रहा है, ये देखिए वो भी इरिटेट हो रहा है थोड़ा। हाँ जोई, यस जोई, से हेलो हेलो। गर्मी लग रही है जोई को। तो अभी बस हम लोग ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में पहुंचने वाले भोपाल। अब रास्ता आगे साफ है, बस यही पैच था जो थोड़ा सा गंदा है। और अगर आप अभी, इस वक्त है May 2024, और अगर आप 6 या 7 मंथ्स बाद आने का सोच रहे हो तो ये रास्ता अच्छा हो चुका होगा एंड बहुत ज़्यादा कम टाइम में आप पहुंच सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं भोपाल, एंड आई थिंक हमने मतलब ऑलमोस्ट 10 या 20 मिनट पहले हम थोड़ा आ गए। गूगल मैप्स 4 बजे दिखा रहा था और अभी है 3:30, एंड वो भी बिकॉज वहाँ पे बुधनी के बाद जो रास्ता ख़राब था उसकी वजह से। एंड ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी रही, एंड इवन इफ पेट के साथ था तो भी हम तो कल की जर्नी से थोड़ा सीखे हैं कि हमें किस तरह से ट्रैवल करना है पेट के साथ। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग कि अपने आप पेट के साथ पहली बार ट्रैवल कर रहे हो तो आई रियली होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। एंड कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी रिलेटेड टू स्पेसिफिकली टू समबडी हु इज़ ट्रैवलिंग विद पेट फॉर द फर्स्ट टाइम।